हम लोग ये फूल खरीदे हैं और ये कभी कभी 20 रुपए का पड़ा है, तो हम लोग ऐसा दो फूल लिए हैं। बाबा का दरबार में आ गए हैं तो हमने जल खरीद लिए और ये आप देख सकते हो हमारे बाबा का दरबार, इतना शांति मिल रहा है यहाँ कि क्या बताएं। यहाँ अलग ही एक माहौल है आपका, हर जगह देखने पर मतलब अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है। हेलो हेलो दोस्तों, आप स्वागत है नए आज नए सुबह में। आज तो आप देख सकते हैं कल हम लोग शादी में थे तो बहुत सारा एंजॉय हुआ, तो रात में आके हम लोग सो गए थे। ये तो ये रूम है और ये कपड़ा पहन रहा है आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ सोए थे। तो आज हम लोग सोच रहे हैं जा रहे हैं बाबा का दरबार पे, देवघर वहीं पर जाएंगे। आज दिन बहुत अच्छा है। अभी हम लोग चांदपुर में अभी हम लोग निकल गए हैं देवघर के लिए, जो कि अभी हम लोग नहाए भी नहीं हैं, तो हम लोग वहीं जाके नहाएंगे। शिव गंगा बोल के एक जगह है, मतलब नदी है, उसमें जाके हम लोग नहाएंगे। और कहा जाता है कि वहाँ नहाने से शुद्ध होते हैं, उसके बाद मंदिर में पूजा किया जाता है, तो अभी हम लोग वहीं नहा के पूजा करेंगे फिर। और तो अभी हम लोग टोटल से यहाँ से जाएंगे। अभी हम लोग चांदपुर बस स्टैंड के पास आ गए हैं, तो यहाँ से बस टोटो ऑटो सब मिलता है, तो देखते हैं हम लोग क्या पकड़ेंगे। शायद हम लोग का चांस ज़्यादा है कि हम लोग फोटो पकड़े, रिजर्व करके चल जाएगा। 8-10 आदमी है तो रिजर्व करके चल जाएगा। मेरा चांदपुर रास्ता है, ये आप इस तरफ चल जाओगे तो इधर देवघर मंदिर पड़ेगा, और इस तरफ चल जाओगे आप तो ये जसीडीह रेलवे स्टेशन पड़ जाएगा आपका। तो अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे, ये रास्ता की तरफ हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग टोटो पकड़ लिए हैं, देख सकते हैं एक टोटो में हम लोग कितना जा सकते हैं, पूरा भीड़ हो गया है और खचक खचक लोग टोटो भरा हुआ है। बस डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। आप हमारे आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, थोड़ा आवाज़ मेरा कम गया है कल रात में, कुछ ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गला थोड़ा खराब हो गया है, थोड़ा अवॉइड करें हमारा आवाज़ को। सो हम लोग अभी आ गए यहाँ पर शिव गंगा नदी के आस पास। ना ठीक है ठीक है, चल नहाने के लिए। आप ये देखो अभी काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, कपड़ा वगैरह। आप कुछ नहीं लाए हो मंदिर में तो आप यहाँ खरीद से आपको मतलब पूजा कर सकते हो यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, ये पहले नाखून छुलाना पड़ता है, इसके बाद नहा के फिर पूजा करना है, ऐसे करके नाखून छुलाना है। ये मैं भी अपना हाथ से नाखून छुला देता हूँ। बस यही रस्म है यहाँ का, तो ये रस्म पूरा करके फिर नहा के उसके बाद फिर मंदिर में पूजा करना है। सो अभी हम लोग आ गए हैं शिव गंगा के आसपास। तो अभी यहाँ पर तो सब इसको गंगा बोलते हैं, अभी मुझे पोखर लगता है, आप ये देख सकते हो ये पोखर है, इसी में नहाना है अभी हम लोग को। तो इसमें नहा के हम लोग फिर उसके बाद मंदिर में जाना पड़ेगा, तो मंदिर में जाकर फिर पूजा करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे नहाते हैं। ये देखो आप, ये इतना बड़ा है, ये इधर से स्टार्ट होके ये 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 ये, ये यहाँ तक ख़त्म होता है। बस ये पोखर लग रहा है मुझे, आप बताओ कमेंट में ये क्या लग रहा है, बट मुझे तो ये पोखर लग रहा है। सो हम लोग फाइनल नहा के अब रेडी हो गए हैं, अब ये देख सकते हैं हम नहा के पूरा रेडी हो गए, सभी लोग नहा लिए हैं ये सभी लोग। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी फूल वगैरह खरीदेंगे, फूल धूप काटेंगे और जल वगैरह खरीद के जाएंगे, जल चढ़ाएंगे बाबा को। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर जल खरीद सकते हैं हम लोग। सो हम लोग यहाँ से फूल खरीदेंगे और यहीं पर हम लोग बैग जमा देंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग फूल खरीदेंगे। और ये सामने हम लोग बैग जमा दे रहे हैं, ये कुछ श्री राम पेरा भंडार दुकान है, यहाँ पर आप लोग बैग जमा देंगे, 3 बैग हमारे। और यहाँ पर जल वगैरह मिलता है देख सकते हो। कुछ ही हम लोग ये फूल खरीदे हैं और ये कभी कभी 20 रुपए का पड़ा है, तो हम लोग ऐसा दो फूल लिए हैं, तो ज़्यादा फूल नहीं लिए हम लोग, उसी में सब भाग करके कर लेंगे पूजा।
आ गए आपका ड्राइवर मंदिर में और बाबा का दरबार में आ गए हैं, तो हमने जल खरीद लिए और ये आप देख सकते हो हमारे बाबा का दरबार, इतना शांति मिल रहा है यहाँ कि क्या बताएं। यहाँ अलग ही एक माहौल है आपका, हर जगह देखने पर मतलब अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है, मतलब एनर्जी आ रहा है हमको यहाँ से, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत भीड़ है यहाँ पर। मंदिर का एंट्री काफ़ी दूर से है तो हम लोग दौड़े दौड़े फिर से वापस इधर वापस रामेन रास्ता पे आए हैं और यहाँ से मंदिर का एंट्री शुरू है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी देर दूर तक चलना पड़ेगा, लगभग 100-150 मीटर का दूरी पर है मंदिर यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से अभी पैदल जा रहे हैं। इस रास्ते से जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर फैन लगा हुआ है श्रद्धालुओं के लिए, और आप ये साइड में आप देख सकते हो नल भी है, पानी का फुल अवेलेबल है यहाँ से, और माइक वगैरह सब कुछ चलता है यहाँ पर, देखिए नल वगैरह सब कुछ है यहाँ से, आप हाथ वगैरह धो के जा सकते हो रास्ते में ही। फाइनली हम लोग मंदिर के नज़दीक आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मंदिर यहाँ पर सामने में ही, हम लोग मंदिर में एंट्री करेंगे तो देखते हैं कैसे एंट्री कितना देर पर हम लोग पूजा कम्प्लीट होगा। काफ़ी लाइन लगे हैं और इधर से बहुत देर है, बट उतना भी नहीं है, 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, शायद हमको ऐसा लगता है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफ़ी भीड़ है, हम लोग फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। काफ़ी कभी करीब 2 घंटा का लाइन लगा के हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे इमोशन हो चुके थे, भावुक होते जा रहे हैं, बहुत दिन से इच्छा था मंदिर में आने का, आ नहीं पा रहे थे, फाइनली आज हम लोग आए हैं 2 घंटा में वेटिंग करके। आप लोग तो मंदिर का व्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, मोबाइल वहाँ पर जाकर बंद रखना पड़ेगा, फाइनल दोस्तों हम लोग का पूजा कंप्लीट हुआ और हम मतलब आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर फोटो अलाउ नहीं था, कर नहीं पाए, अंदर जब रुके तो बहुत भीड़ था, धक्का मुक्की बहुत हो रहा था, बट अच्छा सा पूजा हो गया, भगवान को हमने माता पिता जल चढ़ाया और ये सभी मंदिर में हमने विजिट किया, ये मंदिर और ये मंदिर, ये सब मंदिर है, सभी मंदिर में लोग विजिट किया, बट फोटोग्राफ नहीं है दोस्तों तो फिर आप हम शेयर नहीं कर पाए। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप एक भी बंदा से विजिट मत कीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा पे चार्ज करेगा, आपको नॉर्मली एक जल का दिल में पैसा और थोड़ा सा फूल रख के आपको उसी से कोई जल रखे बाबा को चढ़ाना है और कुछ नहीं करना, बस यही था आपको जानकारी देने के लिए हम बताए। बाकी आप इधर देखिए मार्केट, सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है, ये इस साइड भी मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी सारा मार्केट मतलब पेड़ा इधर मिलता है। सो अभी हम लोग पेड़ा लेने आए हैं भैया के लिए, घर के लिए प्रसाद के लिए, तो पेड़ा अभी 340 रुपये केजी बोल रहे हैं भैया, तो बट अच्छा पेड़ा है, और यहाँ पर इस साइड में 200 रुपये केजी वाला है, वो भी उतना अच्छा नहीं है, एक है 320 वाला केजी, उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारा उसमें चीनी दिया हुआ है,
बट ये पेड़ा बेस्ट है, अभी 340 दे रहा है, भाव सही है, ठीक ठाक है। तो हम लोग एक एक केजी करके दो केजी पैक करवा रहे हैं घर के लिए। तो हमने 3 केजी पेड़ा खरीदा है 340 रुपये वाला केजी, तो टोटल 850 के करीब लग गया, तो ज़्यादा नहीं है, सही है। ऐसे हम लोग हरिद्वार एक बार गए थे तो वहाँ पर 400 रुपये समथिंग लिया था, बट यहाँ 340 में मिल गया, सही दाम। साथ साथ में हम नकुंदाना और चूड़ा भी ले लिए हैं, पतला चूल्हा रहता है, तो आपका 60 रुपये केजी लिया था, तो हम लोग 200 ग्राम लिए हैं, और वो गला में पहनने वाला भी ले लिए हैं, तो लगभग 5 रुपया करके 300 लिया था, तो 95 रुपये उसका हुआ है। लोग बैग लेने आए हैं वापस, और बैग अभी हम लोग ले लिए हैं, देख सकते हो बस हम लोग अभी ले लिए हैं। कभी बहुत तेज भूख लग गया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस खाली पेट में है, तो अभी देख रहे हैं किधर क्या मिल रहा है। तो भोला जो है हमारे गाइड है, ये है भोला, भोला चावल चावल भोला, ये हमारे भोला, ये हमारे गाइड है। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में लेके आए हैं, तो बोले यहाँ पर आज काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, देखते हैं कैसा खाना आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं शिव शक्ति मारवाड़ी रेस्टोरेंट में, अब देखिए अभी हम लोग कैसा खाना आता है, अब देख ही सकते हैं हम लोग सही लग सकते हैं। हम लोग खाना के इंतजार में कि कब खाना आया और हम लोग खाए, देखिए सब दिखा रहा था, देखिए सब लोग फेस देखे, आप लोग थोड़ा फेस देखिए, सब भूखा लोग हैं, एक इधर भी है दो, ये देखिए अभी तक सिर्फ थाली परोसा गया है, खाना अभी तक आया नहीं है। हम लोग का ये मील आ गया है, और प्लेन मील है, ये आलू आलू गोभी का सब्जी है, राइस है, दाल है, और ये चटनी है, पापड़, और ये आलू का भुजिया है। तो नॉर्मल से अभी ज़्यादा ऑयली वाइली खाना नहीं खा रहे हैं, बस ये सभी लोग को देखिए इतना भूख कर खाना स्टार्ट कर दिया, उधर भी स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो आप दुकान कितना मस्त डेकोरेशन क्या हुआ है, हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पर आके, तो आप देख सकते हो। हम लोग का प्लान में कुछ चेंज आ गया है अचानक से, तो हम लोग सोच रहे थे कि जसीडी के लिए निकलेंगे, मतलब जसीडी की तरफ, तो आपका भोला का घर था, तो हम लोग उधर ही भोला घर पर जाएंगे, बट भोला घर पर ना जाके हम लोग नंदन पहाड़ पर आए हैं। ये देख सकते हो आप, ये सामने बोर्ड है नंदन पहाड़, और इधर बाबा का मंदिर है, इस साइड जा रहे हैं बस, मतलब देवघर है, हम लोग इधर से अभी आए हैं, और ये नंदन पहाड़ है, हम लोग नंदन पहाड़ अभी ईस्ट है, तो हम लोग अभी इस तरफ जाएंगे, तो देखते हैं शाम को हम लोग 9 बजे ट्रेन है, तो तब तक हम लोग यहाँ घूमते हैं, यहाँ का कैसा क्या देखेंगे थोड़ा। तो अभी हम लोग आ गए हैं नंदन पहाड़ पर, और ये देखिए एक सीढ़ी ऐसा है, ये भाई लोग हमारे आगे जा चुके हैं, हमें ब्लॉग बनाने में थोड़ा धीमा गति से हमको चलना पड़ता है, और ये लोग हम लोग से आगे चल जाता है, कोई बात नहीं, आप सबके लिए हम इतना कर ही सकते हैं कि आप सबके साथ हम अपना वीडियो शेयर करें, आप सबको दिखाऊं, मैं खुद भी देखूं और आप सबको भी दिखाऊं। ये देख सकते हो आप इधर, और ये फ्री है, मतलब हमको लगा कुछ चार्जेस वगैरह होगा, बट ये फ्री है, मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा है। अभी तक हम लोग आधा ही सीढ़ी चढ़े हैं, ये देखिए, बस अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, बस इतना भी चढ़ने में ही मेरा हालत ख़राब हो गया है, और सांस लेने में कष्ट हो रहा है, अभी इतना और चढ़ना है, पता नहीं और आगे कितना चढ़ना पड़ेगा, बट इतना में ही सांस फूल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम दे रहा है, काफ़ी हाइट पर है ये। हम तो सोचे थे कि फ्री है नंदन पहाड़ पे ऊपर जाने में, बट मैं गलत था दोस्तों, और यहाँ पर पैसा लगता है जाने के लिए, आप देख सकते हो टिकट प्राइस, हटो टोके थोड़ा देखें हम लोग टिकट प्राइस, ये देखिए टिकट ले लिया अभी हम लोग टिकट ले लिए हैं, कितना 10 रुपया पर टिकट लग रहा है ना, कैमरा शुल्क 5 रुपया, वीडियो कैमरा 25 रुपया। सभी हम लोग यहाँ पर नंदी बाबा एंट्री कर चुके हैं, और स्टार्टिंग में ही ये नंदी भगवान है, आप ये देख सकते हो नंदी बाबा को, और काफी खूबसूरत है यहाँ से नज़ारा, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और हाइट पर जाएंगे तो और अच्छा सा नज़ारा दिखने को मिलेगा, बट अभी स्टार्टिंग से ही बहुत सुंदर सा है, आप देख सकते हो लाल लाल पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ सामने पीपल का पेड़ है, जो कि अभी काफ़ी छाया दे रहा है और हवा चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ बैठने के लिए जगह है, आप यहाँ आके बैठ भी सकते हो, और सामने में आप नज़ारा भी देख सकते हो, यहाँ देवघर का काफ़ी हाइट पर है, और वहाँ दूर एक पहाड़ दिख रहा है,
जो कि आपको कैमरा में दिख रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने का। ये देखिए दूर एक पहाड़ है। पहाड़ मुझे एक लग रहा है, पहाड़ के ऊपर एक पार्क टाइप का है जो कि बच्चों लोग के लिए है, पर अच्छा है, खूबसूरत है, काफ़ी सारे चीज़। यहाँ हवा बहुत तेज चल रहा है जो कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बट झूला तो कैसा लग रहा है आप हमें बताइए। बोला घर ऐसा है और इसके अंदर अभी हम लोग 2 रुपये दे के टिकट, मात्र 2 रुपये टिकट का नाम था, 2 रुपये टिकट देके अभी हम लोग इसे फुल एंजॉय किए और काफ़ी मतलब डर तो नहीं लगा बट एंजॉय फुल। अभी हम लोग बोट चला रहे हैं, नाव पर बैठे हैं अभी हम लोग। ये देखिए हमारे साथ गोपाल बैठा है और अभी हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। और पानी यहाँ बहुत गहरा है, आप देख सकते हो अंदर पूरा क्लीन क्लीन दिख रहा है, बहुत गहरा है पानी। ठो यहाँ से व्यू मस्त है नंदन पहाड़ का। और हमने यहाँ पर 25 रुपया में 15 मिनट के लिए लिया था और ठीक है प्राइस, बट ठीक है 25 रुपया 15 मिनट के लिए सही है। तो अभी हम लोग को अभी 10 मिनट हाथ में टाइम है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं फटाफट से, 15 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँचना है ताकि ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ज़्यादा मतलब 15 मिनट ज़्यादा लग हो जाएगा तो बस पैसा डबल हो जाएगा, 50 रुपया ले लेगा आधा घंटा का, इसलिए हम लोग अभी टाइम से पहले पहुँच जा रहे हैं वहाँ पर। आप कभी अगर नंदन पहाड़ किधर आओगे तो जरूर यहाँ बोट चलाना, बहुत मजा आता है। रेट काफी लो है, 25 रुपया करके 25 रुपीज मतलब 15 मिनट के लिए आपको देगा बस। ये देखिए भैया ऑटो की एक साथ उधर बैठ के बोट चला रहे हैं और इधर किस्ता और सोनू है। तो अभी हम लोग नंदन पहाड़ से घूम के वापस जा रहे हैं भोला का घर, ये इसका घर हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी हम आपको रास्ता में एक चीज दिखाते हैं, देखिए दोस्तों ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, देखिए कहीं से भी कोई भी चीज़ कमी नहीं लग रहा है, बस इसका ये सफाई नहीं होता है ऐसे ही और बेस्ट लगा। देखिए अभी हम लोग लगभग मतलब नंदन पहाड़ से भी हम लोग निकले हैं तो ऑटो नहीं पकड़े हैं, सोच रहे हैं यहाँ से पैदल जाएंगे, तो करीब करीब हम लोग 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है तो हम लोग यहाँ से चल के पैदल जाना है।
सो अभी हम लोग आ गए हैं भोला का घर, तो अभी भोला का घर जा रहे हैं। भोला का घर से हम लोग अपना बैग ले लेंगे, बैग लेने के बाद हम लोग जसी जी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग अभी हावड़ा का ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भोला का घर, और तो आधा एक घंटा रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट करने के बाद करीब करीब हम लोग 8 बजे करीब यहाँ से निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 6, तो अभी हम लोग 1.5-2 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के जैसे भी निकल जाएंगे। बज रहे हैं अभी 8:56, तो अभी हम लोग आ गए हैं जसीडीह स्टेशन। अभी हावड़ा के लिए हम लोग जाएंगे, तो अभी हम लोग का ट्रेन 9:32 में है, जो कि ऑन टाइम है, लेट नहीं है। तो अभी हम लोग को 32 मिनट और लगेगा ट्रेन आने में। सो अभी हम लोग का खाना पीना भी हो गया है, और खाना पीना होने के बाद अभी हम लोग आएगा ट्रेन, तो हम लोग ट्रेन में कुछ नहीं खाएंगे। खाना पीना हम लोग पहले ही बाहर से खा लिए हैं, तो बाहर ट्रेन में कुछ खाना नहीं होगा, बस ट्रेन में बस बैठ कर सफ़र करना है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, और अभी हम लोग सब अपने अपने सीट पर सोने के लिए आ गए हैं। इधर मैं सोया हूँ, इधर टोकी सोया है, इधर कुंदन भैया सोया है, इधर चंदन सोया है, सब अपना अपना सीट पर सोया है। और अभी करीब करीब सुबह हो जाएगा, 4 बजे लोग हावड़ा में डूब जाएगी ट्रेन। तो अभी हम सोते हैं, सुबह जब उठेंगे तो 4 बजे जब हावड़ा में डूब जाएंगे, तब आपको हम दिखाएँगे करीब करीब कितना बजे ढुकेगा ट्रेन। ऑलमोस्ट 4 बजे रुकना चाहिए, देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग अपने हावड़ा पहुंच गए हैं अपने घर, और अभी हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। ये सभी लोग का अभी नींद पूरा नहीं हुआ है, फिर भी नींद पूरा होने से पहले अभी हम लोग ट्रेन घर पहुंचा दिया है। हम तो ही जाएंगे, किसी को जाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहा था 2-3 घंटा और ट्रेन लेट हो जाता तो अच्छा रहता, तो नींद पूरा हो जाता, बट ट्रेन उससे पहले ही पहुंचा दे रहा है, तो जाना पड़ेगा बिना नींद पूरा किए हुए। अभी ये लोग, किसी का नींद पूरा नहीं हुआ है, ये देखिए, ये ट्रेन वाला किसी का नहीं है गाइस। सब सुबह सुबह समय से पहले पहुंचा दिया है। हम लोग सोचे 2-3 घंटा और लेट होता तो सही होता, बट रंजीत टाइम से पहले पहुंचा दिया है। 4 बजे पहुंचाने का टाइम था, अभी आपका बज रहा है 4:15, 15 मिनट पहले ही पहुंचा दिया। हम लोग सोचे थे लेट गया करेगा तो 6 बजे पहुंचाएगा, बट नहीं, उसे पहले ही पहुंचा दिया। तो साइड है ये लोग, थोड़ा देखिए तो ये लोग और सोता, बट सोने को मिला नहीं। अभी हम लोग घर जाएंगे फाइनली, 2 दिन के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है घर जाने पे। सो अभी हम लोग घर आ गए हैं फाइनली दोस्तों, और बहुत सुकून मिल रहा है घर आके। घर आने में एक अलग ही मजा है, मतलब सुकून मिलता है, यहाँ का खुद का मतलब घर में रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं इस तरह से और वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूँ, आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।